दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम को इंडिया में लॉन्च किया जा चुका है। नाम है आयुष्मान भारत, स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब सवाल इसके इम्प्लीमेंटेशन का है। क्या सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मनमाने रवैये को रोक पाएगा? आखिर क्या करना होगा भारत सरकार को इस प्रोग्राम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए? ये तो था हमारा पहला सवाल। दूसरी बात, 1.5 टाइम्स MSP सुनकर अच्छा लगता है। फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, पेस्टिसाइड्स, इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका असर बढ़े हुए MSP पे नहीं दिखता। तो क्या हमें इस MSP की पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत नहीं? हमारा तीसरा सवाल, सेक्शन 497 को डीक्रिमलाइज कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि अब एडल्ट्री एक ऑफेंस नहीं रहा। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि अब ये एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा और सिविल ऑफेंस के तहत ये डाइवोर्स का कारण बन सकता है। मैट्रिमोनियल इशू होने की वजह से इसे सिविल ऑफेंस बना दिया गया है। तो क्या ऐसा ट्रिपल तलाक के केस में नहीं होना चाहिए था? हमारा अगला सवाल, क्यों RBI फॉर्म में नजर आ रहा है? कई सारे प्राइवेट बैंक से गवर्नेंस में बदलाव किया गया है। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब के साथ स्टेप अप आइए स्वागत करता है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 5 अक्टूबर 2018। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। क्लासरूम प्रोग्राम और पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम को इंटीग्रेट किया जाता है इस प्रोग्राम में। 780 आवर्स का इंक्लूसिव कोर्स होता है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होती हैं, वेल स्ट्रक्चर स्टडी मटेरियल होता है और अपने टीचर्स के साथ अपने डाउट्स को पर्सनली आप क्लियर कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम के बारे में मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं, जहां पर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस का इंक्लूड होता है इसमें, राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है आपके कोच के द्वारा, वो आपको टारगेट भी देते हैं आपकी तैयारी के लिए और आपके आंसर्स को वो पर्सनली चेक करते हैं। इसके अलावा आप खुद से टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि आप कोई भी एक ब्लैंक डायरी ले सकते हैं, ऐसी डायरी जिसमें डेट ना पड़ी हो। कुछ डायरीज पर डेट पड़ी होती है, उसे आप न्यू ईयर के बाद ले लीजिएगा। डायरी के एक कोने में आप WT लिख सकते हैं यानी कि वेकअप टाइम और दूसरे कोने में ST यानी कि स्लीपिंग टाइम। आप इसे मेंशन कर दीजिए, डेट डाल दीजिए कि किस डेट पर आप ये स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद तीन कॉलम्स बना लीजिए, सब्जेक्ट, टॉपिक एंड टाइम। सब्जेक्ट मान लीजिए पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 7 से 9 बजे तक, हिस्ट्री रिवोल्ट ऑफ 1857 10:30 से 12:30 बजे तक। करंट अफेयर्स जब भी लिखें तो वहाँ पर टाइम्स को, जो टॉपिक्स हैं उनको मेंशन कर दें, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, मान लीजिए 1 से 2 बजे तक। ऐसे आप पूरी डायरी को प्रिपेयर करें पूरे दिन में डेट वाइज और ऐसे स्ट्रक्चर करके तैयार करेंगे तो आपको अपना एक ओवरव्यू हमेशा रहेगा कि आप कब क्या कैसे करते हैं। स्टेप अप आइए इसका जो टाइम मैनेजमेंट का फंक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा एलोबोरेटिव है, बट आप सिंप्लीफिकेशन के तौर पर इतना भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये आर्टिकल एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एलिमिनेट करेंगे। ये आर्टिकल MSP पर है और यहाँ पर इस पेज पर ये आर्टिकल भी MSP पर ही है, तो दोनों आर्टिकल्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल RSS के बारे में है, नॉट इम्पॉर्टेंट, एलिमिनेट करेंगे। दैट आर्टिकल इज ऑन एडल्ट्री, इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। इस पेज पर ये आर्टिकल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये आर्टिकल बैंकिंग क्राइसिस के बारे में है, तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमारे पास ऐसे राइटिंग के लिए क्या है। ग्रेट लॉसेस आर ग्रेट लेसन्स, अमित कालांत्री जी का एक स्टेटमेंट है कि आपका जितना बड़ा नुकसान होता है आप उतना ही बेहतर सीखते हैं। तो इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप अपनी समझ के हिसाब से कर सकते हैं। देखते हैं पहला आर्टिकल, अनजॉइंट डॉट्स ऑफ अ स्कीम। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए, इशूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट सोशल सेक्टर, हेल्थ के इशू से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बैकग्राउंड ले लेते हैं। देखिए, आयुष्मान भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसके दो कंपोनेंट हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में देखिए, इसका जिक्र नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में भी किया गया था, जिसके जरिए ये कहा गया था कि भारत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा और इस प्रोग्राम के तहत 1.5 लाख सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा पूरे इंडिया में, जिनका काम होगा कि ये कंप्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाएं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए भी, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज भी ये देंगे, ठीक है। एसेंशियल ड्रग्स और डायग्नोस्टिक सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा इन सेंटर्स पर। इसके लिए सरकार के द्वारा 1200 करोड़ रुपए का एलोकेशन भी किया गया है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से और अभी तक 2287 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया जा चुका है पूरे देश में, ठीक है। इस प्रोग्राम का दूसरा कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है आयुष्मान भारत का, जिसके तहत 10 करोड़ फैमिलीज को कवर किया जाएगा और उन्हें 5 लाख रुपए तक का पर एनम का सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन केयर के लिए इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है। इंप्लीमेंट हो चुकी है ये स्कीम और वर्तमान में ये दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिकली फंडेड हेल्थ केयर स्कीम है।
इसके जरिए स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा इस प्रोग्राम का, ताकि लोगों की जरूरतों को जो हेल्थ से रिलेटेड है पूरा किया जा सके। इस हेल्थ सेक्टर इनिशिएटिव में, ये जो दो हेल्थ सेक्टर इनिशिएटिव्स हैं आयुष्मान भारत के अंतर्गत, इसके जरिए न्यू इंडिया 2022 का जो सपना है उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लैक्स ऑफ जॉब क्रिएट होंगी पार्टिकुलरली वुमेन के लिए। इसके जरिए 24 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को एस्टैब्लिश करने का प्लान बनाया गया है। कोशिश की जाएगी कि 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज तो जरूर हो। तो ये तो कुछ बेसिक्स हो गए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल पर। देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अब लॉन्च किया जा चुका है। अब मुद्दा इसकी पॉलिसी गाइडलाइंस पर नहीं है। पहले हम बात करते थे कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। क्योंकि जो लोग स्केप्टिक्स हैं, जो ऐसा मानते हैं कि सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं वो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, वो देखना चाहते हैं कि आखिर इस प्रोग्राम में क्या अलग होगा, क्योंकि इसके पहले तक ऐसे जो भी प्रोग्राम्स आए हैं वो फेल रहे हैं। देखिए, इंडिया का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके पहले ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स को लेकर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च तो किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हुआ था। जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमने पास्ट के फेलोर से सीखी वो ये थी कि अगर किसी प्रोग्राम में पब्लिक सेक्टर फेल हो रहा है, वो क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, तो गवर्नमेंट फंडिंग के जरिए वही काम आप प्राइवेट सेक्टर से नहीं करवा सकते। ये बात तो क्लियर हो गई थी। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उन्हें पब्लिक फंडिंग मिलने लगती है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ बिहेव भी करने लगते हैं, उनकी क्वालिटी गिर जाती है, उनके गवर्नेंस में दिक्कत आ जाती है। अ फंक्शनिंग हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम मस्ट इंश्योर द पेशेंट नीदर अंडर ट्रीटेड नॉर ओवर ट्रीटेड नॉर ओवर चार्ज्ड। जब भी आप ऐसा कोई इंश्योरेंस प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हो तो ध्यान देना होता है कि पेशेंट को अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए, ज़्यादा भी ना ट्रीट किया जाए और ज़्यादा चार्ज भी ना किया जाए। इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हमें कुछ काम करने होंगे, जैसे कि प्राइस सेटिंग, क्या प्राइस होना चाहिए, ये पहला काम होना चाहिए हमारा। दूसरा, थर्ड पार्टी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तीसरा, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होने चाहिए। और चौथा, हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे भी फोकस करना होगा। तो आइए चारों कंपोनेंट को एक एक करके हम एनालाइज करते हैं। पहली बात है प्राइसिंग। देखिए, सही प्राइस को सेट करना एक इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है। प्राइस बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अलग अलग हॉस्पिटल्स की क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग प्राइस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक यूनिफॉर्म प्राइस डिसाइड करते हैं तो ये भी सही अप्रोच नहीं माना जाएगा। अगर आप बहुत कम प्राइस डिसाइड करते हैं किसी हॉस्पिटलाइजेशन केयर के लिए, तो वो हॉस्पिटल अपने आप को इस प्रोग्राम में इनरोल ही नहीं करेगा। और अगर आप ज़्यादा प्राइस डिसाइड कर देंगे तो वो मनमाने तरीके से फ़ायदा उठाएगा और कई बार वो एडिशनल सर्विसेज भी जोड़ देगा। गेटिंग प्राइसेस राइट इज द सेंट्रल डिलेम्मा। बहुत बड़ा डिलेम्मा है कि आखिर सही प्राइस कैसे डिसाइड किया जाए। दुनिया भर में जब भी ऐसे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है तो ये एक कोर प्रॉब्लम रही है। लेकिन दुनिया भर में जो एक काम किया गया है वो ये है कि लार्ज एनालिटिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है और उस डेटा को एग्जामिन करके ये डिसाइड किया जाता है कि आखिर कितना प्राइस दिया जाना चाहिए। तो इंडिया को भी यही काम करना होगा, हमें प्रॉपर एनालिसिस करना होगा, जिसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और उसे समय समय पर अपडेट भी करना होगा। तो पहला मुद्दा तो प्राइसिंग का होगा, जिसे हम ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग। देखिए, दो दिक्कतें आती हैं पब्लिक फंडेड स्कीम्स में। पहला, डिनायल ऑफ सर्विसेज। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विस देने से इनकार कर देते हैं, ये कहते हुए कि जो प्राइस उन्हें उस सर्विस के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है वो बहुत कम है और इसलिए वो केयर उस पेशेंट को नहीं दे सकते। या कई बार वो ये कह देते हैं कि सरकार उनके क्लेम्स को क्लियर करने में बहुत टाइम लगाती है, इसीलिए वो सर्विस नहीं देंगे। तो डिनायल ऑफ सर्विस इज द कोर प्रॉब्लम। दूसरी समस्या, टॉप अप प्राइसिंग। वो पेशेंट से ये कहते हैं कि इस, मान लीजिए किसी केयर की जो कॉस्ट है वो 1,00,000 रुपीज़ है, वो बोलेंगे कि सरकार हमें केवल 60,000 देगी, 40,000 अगर आप देंगे तब तो हम आपका इलाज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो पेशेंट मजबूरी में एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर देता है। देखिए, एक जो प्रॉब्लम आती है जिसमें वो ओवरचार्ज करते हैं किसी भी पेशेंट को, वो तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। लेकिन ये जो दो प्रॉब्लम है, डिनायल ऑफ सर्विस और टॉप अप प्राइसिंग, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। किसी पेशेंट को आपने सर्विस देने से इनकार कर दिया, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि कोई पेशेंट आया ही नहीं। टॉप अप प्राइसिंग में आपने पेशेंट से एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि हमने कोई चार्ज लिया ही नहीं। तो मतलब ये बातें रिकॉर्ड में कभी आती भी नहीं। इसके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म और कॉल सेंटर का एस्टैब्लिशमेंट करने की बात कही गई है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। ये काम अच्छी तरीके से तभी हो पाएगा जबकि ये सेंटर्स अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करें। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। इनफैक्ट हमें एक मीडिएटर की ज़रूरत है जो कि फैसिलिटेट कर सके पेशेंट को, हॉस्पिटल को और इंश्योरेंस प्रोवाइडर को। ठीक है, इसी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने आयुष्मान मित्रों को नियुक्त करने का प्रावधान करने की बात कही है, लेकिन वो पेशेंट के इंटरेस्ट में काम कर सकें इसके लिए उनके पास अथॉरिटी और एबिलिटी दोनों होनी चाहिए।
देखिए कुछ स्टेट्स ने तो ये कहा है कि हॉस्पिटल्स ही आयुष्मान मित्रों को नियुक्त करेंगे। अब इससे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना, वो हॉस्पिटल के इंटरेस्ट में काम करेंगे या फिर पेशेंट के, तो ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होने की आवश्यकता है। ठीक है, तीसरा मुद्दा है रेगुलेशन एंड इंश्योरेंस फ्रॉड। देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अच्छे इंप्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो 17 इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन हैं वो अभी भी वहाँ पर जो पोस्ट हैं वो वैकेंट पड़े हुए हैं और 9,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स बैकलॉग में हैं, फंसी हुई हैं। देखिए कोई एस्टैब्लिश प्रोसीजर नहीं है कि कैसे क्लेम्स को सेटल किया जाएगा। अगर कोई हॉस्पिटल सर्विस देने से डिनाई कर देता है तो उसके क्या पनिशमेंट के प्रावधान होंगे। तो इंडिया में जो पूरा सिस्टम है रेगुलेशन का या फिर इंश्योरेंस फ्रॉड का, उसके लिए कोई प्रॉपर प्रावधान है नहीं, और इसके ज़रिए अब इंसेंटिव मिल जाता है उन इंश्योरेंस कंपनीज़ को जो कि आराम से क्लेम देने से डिनाई कर देते हैं, और इसी वजह से इंडिया में जो मैग्नीट्यूड है कंप्लेंस का वो बहुत ही ज़्यादा है। हमें चाहिए कि अच्छी तरीके से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को तैयार किया जाए, बिकॉज ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाएगा ये केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और कोर्ट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और इसके लिए स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। चौथी बात है इम्प्रूविंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। देखिए लगातार इम्फेसिस इस बात पर किया जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स फ्रॉड कैसे ना करें, फोकस इस बात पर भी होना चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कैसे इम्प्रूव करवाया जाए, बिकॉज जब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छी सर्विस नहीं देंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। अगर प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छी सर्विस दे रहे हैं, क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं, तो वो कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं ऐसे स्थानों पर जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बोलबाला है। इसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यूनाइटेड स्टेट्स में मेडिकेयर प्रोवाइड करवाने के लिए 44 मिलियन बेनिफिशियरीज के लिए 6,000 बहुत ही हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को नियुक्त किया जाता है। यूपी में जहां पर 50% पॉपुलेशन होगी, इस प्रोग्राम को अचीव करने वालों की, गेन करने वालों की अप्रॉक्स बात कही जा रही है, हालांकि थोड़ा हाइपर किया गया है, यहां पर 100 मिलियन लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये सर्विस लेनी है, जो ऐसी सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहां पर ऐसे 10,000 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि पास्ट के प्रोग्राम्स ऐसे बताते हैं कि वहां पर मुश्किल से ऐसे 100 स्टाफ्स हैं। तो ये काम भी करने की आवश्यकता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव किया जाए। कंक्लूजन में ये कहा गया है कि अगर हम ये सोचते हैं कि केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस स्कीम को सक्सेसफुल बना पाएंगे तो ये बहुत ही गलत होगा। हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करवाना होगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर बनाने के लिए जो हमारा पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं, पुलिस और कोर्ट सभी को एक साथ मिलकर अच्छे से काम करना होगा, तभी हम इस दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं रीथिंक एमएसपी। पेपर 3 से टॉपिक को जोड़िए, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सेकंड पेज पर आर्टिकल था उसमें कुछ बातें बताई गई हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में, हम उस पर बात कर लेते हैं। एमएसपी को 1.5 टाइम तक इंश्योर करने के लिए सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं। जैसे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को लॉन्च किया गया है, जिस प्रोग्राम के 3 बेसिक कंपोनेंट हैं। पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS, दूसरा है PDPS प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम स्कीम एग्जैक्टली, एंड तीसरा है PPPS पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। देखिए प्राइस सपोर्ट स्कीम ये तो बहुत पुरानी स्कीम है, इसमें अगर किसी भी किसान की फसल को MSP पर नहीं लिया जाता तो सरकार उसकी उस फसल को खरीदने का वादा करती है, तो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो उस, या फिर जो नॉफेड हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो उसे MSP पर खरीदती हैं और जो लॉस है उसका वहन सरकार करती है। ठीक है, दूसरा है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, जिसे अभी मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था भावांतर भुगतान योजना के नाम पर। मतलब कि जो ऑथोराइज्ड ट्रेडर्स हैं उनको ये कहा जाएगा कि आप, मतलब जो ऑथराइज्ड किसान है, रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं, वो रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को MSP से कम दाम पर अपनी फसल को बेच सकते हैं। ठीक है, और जितना कम दाम उन्हें मिलेगा उस डेफिशिएंसी को, उस कमी को सरकार पे कर देगी। मान लीजिए ₹15 किसी फसल का MSP डिक्लेयर किया गया है लेकिन मार्केट वैल्यू केवल ₹13 है, तो आप ₹13 में बेच दीजिए, ₹2 पर केजी के हिसाब से सरकार पे कर देगी। तो ये तो दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम। इसमें कुछ प्राइवेट एजेंसीज़ को अलाउ किया जाएगा कि आप MSP पर फसलों को प्रोक्योर करें, चाहे उसका दाम मार्केट में MSP से कम ही क्यों ना हो, क्योंकि इससे मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होगा और सरकार ऐसे ट्रेडर्स को 15% सर्विस चार्ज भी पे करेगी। आर्टिकल में बात करते हैं जहां पर MSP में हाइक की बात की गई है। देखिए 2018-19 के लिए जो MSP डिक्लेयर किया गया है रबी की क्रॉप्स के लिए वो ज़्यादा नहीं है। वीट के लिए बात करें तो 1,840 रुपीज़ पर क्विंटल डिक्लेयर किया गया है MSP, जो कि पास्ट ईयर के कंपैरिजन में 6.1% की हाइक पर है, मतलब ज़्यादा नहीं है।
अदर क्रॉप्स की बात करें, मस्टर्ड, चना, मसूर, बार्ले, तो ये हाइक 2% से 5% के रेंज में ही है। एक प्रोडक्ट है, एक फसल है जिसमें काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिली है, दैट इज़ सैफ्लावर, कुसुम का तेल 20%। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक तो ये बहुत कम एरिया में लगाया जाता है, दूसरा सरकार इसको खरीदती भी नहीं है। तो ये जो रेस्ट्रेंट देखे गए हैं, ये खरीफ की फसलों के लिए नहीं थे जो कि अभी बिक रहे हैं, क्योंकि उस सीज़न के लिए पैडी को 12.9% और मेज को 19-52% हाइक पर रखा गया था पास्चर के कंपैरिजन में। संभवतः इलेक्शंस आने वाले हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का जो फॉर्मूला अभी बनाया गया था कि 50% रिटर्न दिया जाएगा कम से कम उनकी इनपुट कास्ट का कॉस्ट का फार्मर्स को, ये काफ़ी अच्छा अप्रोच माना जा रहा था। बट यहाँ पर देखिए, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, सबके दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक साल में इनके प्राइसेस में लगभग 25% की वृद्धि हुई है। लेकिन कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस जब MSP को एस्टिमेट कर रहा है, तो ये हाइक 6% की है, 1.8% की है। तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि इन कैलकुलेशंस को ध्यान में रखा ही नहीं जा रहा है। तो MSP का टेस्ट एक्चुअली में इस बात में होता है कि उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, बजाय इसके कि उसे कैसे अनाउंस किया गया है। बिकॉज अभी खरीफ के सीजन की जो फसलें हैं वो बिक रही हैं, और ज़्यादातर फसलें MSP से कम दाम पर बिक रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक सवाल पैदा होता है कि हमें MSP प्राइस को फिर से रिव्यू करने की आवश्यकता है, पूरी पॉलिसी को रिव्यू करने की आवश्यकता है। बिकॉज जो फिक्सेशन मेथोडोलॉजी है और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, दोनों में कमी देखने को मिल रही है। तो एक अच्छा तरीका ये हो सकता था कि आप प्री फिक्स्ड पर एकर पेमेंट कर दें, इस बात को दरकिनार करते हुए कि किसान क्या फसल बोना चाहता है, जैसे कि तेलंगाना में किया गया था। तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगला आर्टिकल देखते हैं, नो प्लेस फॉर द IPC, पेपर वन से टॉपिक को जोड़िए रोल ऑफ वुमेन वाले सेक्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एडल्ट्री क्या है। देखिए, सेक्शन 198 क्लॉज 2 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 497 ऑफ IPC, दोनों में ये बात कही गई थी कि अगर एडल्ट्री की प्रैक्टिस पाई जाती है तो जो थर्ड पर्सन होगा उसे पनिश किया जाएगा। थर्ड पर्सन से हमारा मतलब ये है कि सपोज करिए कि ए और बी, ये दोनों एक कपल हैं, और यहाँ पर एक थर्ड पर्सन सी है। बी जो कि वाइफ है ए की, अगर इसका सेक्सुअल रिलेशन होता है सी के साथ, तो ए के पास ये अधिकार होगा कि ये सी के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च कर सकता है, उसे सजा दी जाएगी। लेकिन अगर ये जो सी है, ये ए की सहमति से बी के साथ सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश करता है, तो फिर एडल्ट्री के क्राइम के लिए सी को पनिश नहीं किया जा सकेगा। अब यहाँ पर बी को एक तो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, दूसरा केस ये था कि अगर ए का सेक्सुअल रिलेशन एक्स नाम की किसी अन्य महिला के साथ है, तो सेम सजा का प्रावधान ए के लिए नहीं था, मतलब बी महिला एक्स या फिर अपने हस्बैंड ए के खिलाफ केस लॉज नहीं कर सकती थी। तो कई सारी दिक्कतें थी इस पूरे कानून में। इन्हीं बातों को संज्ञान में लेते हुए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रावधान को नल एंड वाइड करते हुए एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि लास्ट टाइम YV चंद्रचूड़, जिन्होंने 1985 में, ये अभी जो मिस्टर चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने अभी जजमेंट दिया था एडल्ट्री पर, उनके पिताजी थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस थे। इन्होंने 1985 में एडल्ट्री के एक केस को डील किया था, जहां पर उन्होंने ये बात कही थी, स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज इज नॉट एन आइडियल ऑफ टू बी स्कॉर्न्ड, मतलब जो मैरिज की स्टेबिलिटी है वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी 30 साल बाद, अप्रॉक्सीमेटली 3 decades के बाद, उनके बेटे ने इस पूरे जजमेंट को बदल दिया है। उन्होंने ये कहा कि अब स्थितियाँ बदल चुकी हैं, और इसीलिए महिलाओं को अधिकार देने की आवश्यकता है। जो नया जुडिशियल वर्डिक्ट है उसे मिसअंडरस्टूड किया गया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अब जो एडल्ट्री है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, या फिर ऑफेंस ही नहीं है। नया नोशन तो ये आ रहा है कि एडल्ट्री अब ऑफेंस ही नहीं है, और अब कोई भी इसे प्रैक्टिस कर सकता है। तो अभी जो डीक्रिमिनलाइज किया गया है एडल्ट्री, उसका सिर्फ इतना मतलब है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये सिविल ऑफेंस है, और ये डाइवोर्स का बैकग्राउंड बन सकता है, डाइवोर्स का कारण बन सकता है। देखिए, इसमें कुछ आपत्तिजनक प्रावधान थे जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, कि अगर एक जो महिला है वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश करती है अपने पति की सहमति के बिना, तब तो एडल्ट्री का केस बनता है। लेकिन अगर वो अपनी पति की सहमति से ऐसा करती है, या फिर जो थर्ड पर्सन है उसने उसके हस्बैंड की कंसेंट ले ली है, तब एडल्ट्री का केस नहीं बनता था। तो इस हिसाब से तो महिला को एक चल संपत्ति मान लिया जा रहा है, ये गलत है। तो यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब ये है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहेगा। बाकी अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को व्यभिचार में पाता है, तो वो डाइवोर्स के लिए केस लॉन्च कर सकता है, एंड सेम वुड बी फॉर वुमेन टू, मतलब महिला भी अगर पुरुष को या अपने हस्बैंड को इनफिडेलिटी के केस में पाती है, व्यभिचार के केस में पाती है, तो उसके खिलाफ वो डाइवोर्स के लिए केस लॉन्च कर सकती है। तो देखिए, ऐसा प्रावधान पहली बार क्रिश्चियंस के लिए किया गया था इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 में।
और बाद में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में भी ऐसा प्रावधान किया गया था कि महिला इस आधार पर डाइवोर्स की मांग कर सकती है। 1954-55 में स्पेशल मैरिज एक्ट एंड हिंदू मैरिज एक्ट मेड लिविंग इन अडल्ट्री बाई ईदर स्पाउस अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन। हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये प्रावधान 1954-1955 में कर दिया गया था। मतलब वर्तमान स्थिति में एडल्ट्री डाइवोर्स का कॉज बन सकता है, एक आर्गुमेंट और कारण बन सकता है। कंक्लूजन में ये कहा गया है कि इसे एक मैट्रिमोनियल इशू मानते हुए सिविल लॉ के अंतर्गत रख दिया गया और क्रिमिनल लॉ की कैटेगरी से हटा दिया गया। तो क्या ऐसा सेम प्रावधान ट्रिपल तलाक के केस में नहीं होना चाहिए था? क्या ट्रिपल तलाक डाइवोर्स ऑर्डिनेंस को क्रिमिनल ऑफेंस बनाना सही था? अगर यही सेम केस लॉज किया जाए इसी आधार पर कि एक मैट्रिमोनियल इशू है इसलिए ट्रिपल तलाक को भी एक सिविल ऑफेंस होना चाहिए, तो कोर्ट के पास क्या आर्गुमेंट होगा? तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगला आर्टिकल देखते हैं, द रियल बैंक क्राइसिस, पेपर थ्री से टॉपिक को जोड़िए। देखिए, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कई सारे डिसीजंस लिए जिसके जरिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के गवर्नेंस में बदलाव किया। क्या डिसीजंस लिए गए, क्या एक्शंस लिए गए, आइए जानते हैं। देखिए, बंधन बैंक, आरबीआई ने बंधन बैंक को फर्दर ब्रांच ओपन करने से रोक दिया है। साथ ही जो बैंक के सीईओ हैं उनकी सैलरी को फ्रीज करने का आदेश दिया है बिकॉज उन्होंने शेयर होल्डिंग रूल्स को ब्रीच किया था। यस बैंक में जो राणा कपूर हैं उन्हें एमडी और सीईओ के पद पर, उनका जो टेन्योर है वो 31 जनवरी को ख़त्म होगा 2019 को, उसके बाद वो अपने पद पर नहीं रह सकते, ऐसा आदेश दिया गया है आरबीआई के द्वारा। कारण ये बताया गया कि जो कंप्लायंस कल्चर है रूल्स के प्रति एस बैंक में वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। इनकी लीडरशिप में येस बैंक का गवर्नेंस काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और एसेट का क्वालिफिकेशन भी अच्छी तरीके से नहीं किया गया है। एक्सिस बैंक की बात करते हैं, आरबीआई ने एक्सिस बैंक के बारे में भी कुछ सख्त कदम उठाए हैं। जैसे कि आरबीआई ने एक्सिस बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको ये बोला है कि जो 3 टर्म पूरा कर चुकी हैं उनकी सीईओ शिखा शर्मा, उन्हें अगला टर्म नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनकी लीडरशिप में बैंक का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा है और एक्सिस बैंक का एनपीए 336% से ज़्यादा बढ़ गया है। तो कई सारे ऐसे कदम आरबीआई के द्वारा उठाए गए हैं। तो आर्टिकल कहता है कि जो कदम आरबीआई के द्वारा उठाए गए हैं इससे पता चलता है कि हाँ, वास्तव में जो बैंकिंग सिस्टम है उसके गवर्नेंस में दिक्कतें चल रही हैं और इसीलिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको इंटरवीन करना पड़ रहा है। अब देखिए, ऐसा ही केस हमने देखा था आईसीआईसीआई बैंक के केस में, जहां पर उनकी जो सीईओ थी चंदा कोचर, उनके खिलाफ एलिगेशंस लगभग प्रूव्ड थे, मतलब कई सारे एविडेंसेस थे, अभी तो प्रूफ चल ही रहा है। लेकिन उस स्थिति में भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो उनको पूरा बैकअप दे रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जो स्थिति है वो काफी खराब है। कुछ सजेशंस यहां पर आर्टिकल देता है कि बैंक बोर्ड को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो बोर्ड को ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि जो बैंक का बोर्ड है उसे इंटरनल मैनेजमेंट से भी उतना ही इंडिपेंडेंट रहना आवश्यक होता है जितना कि आउटसाइडर्स से। दूसरी बात कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक का मैनेजमेंट है या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें जो क्वालिटी है फाइनेंशियल सर्विसेज की उस पर ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज जो बैड क्वालिटी होती है लोन एसेट पोर्टफोलियो की या फिर एनपीए की वो अक्सर अंडर रिपोर्टेड रहती है, इसकी वजह से जो बैंक है उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। तो इस बात को ओवरव्यू में रखना, इस बात की जानकारी रखना ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तीसरी बात कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो बेहतर हो। देखिए, जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो बैंक के मैनेजमेंट के पास होती है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास वो इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से पहुंचती नहीं बिकॉज वो 2-3 हफ्ते में एक बार ही मैनेजमेंट से मिलते हैं। और जो अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो उन तक आसानी से पहुंच जाती है, लेकिन जो खराब इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ही धीमी गति से बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास पहुंचती है। तो इसके बारे में उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और चौथी बात कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो मैनेजमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का खुद का वो क्रेडिबल हो और इंडिपेंडेंट हो, बिकॉज अगर उनकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पर आएगी और वो प्रभावित हो जाएंगे जो इंटरनल मैनेजमेंट है उससे, तो फिर कंपनी का मैनेजमेंट खराब होना तय है, जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक में हुआ। तो ये कुछ सजेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। एक कंक्लूजन यहाँ पे बताया गया है कि जो बोर्ड है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, उनको अपने आप को फिर से अच्छी सिचुएशन में लाना होगा, इंडिपेंडेंस और क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, इन द वेक ऑफ द करंट इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्राइसिस डिस्कस व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर। तो इस क्वेश्चन को आप रिप्लाई करिए। इंटरव्यू का क्वेश्चन हमारे सामने है, आपके ओपिनियन में इंडिया का वर्तमान में ऐसा कौन सा बैंक है जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है? इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। यहाँ पर जो मेरा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स।